से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। जमुना बॉथ ए फैन एंड सोल्ड इट फॉर 690 रुपीज़, एट ए लॉस ऑफ रेट 180 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। जमुना ने एक फैन को बेची है 690 रुपीज़ में और उसको लॉस हुआ है 180 रुपीज़ का, तो उस फैन का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो फैन का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, वो सेलिंग प्राइस की बेची कितने में है 690 रुपीज़ में और उसको कितना का नुकसान हुआ है 180 रुपीज़ का। तो फैन का कॉस्ट प्राइस है कि उसको फैन को कितने में खरीदी थी, ये हमें निकालना है आंसर। यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस है 690 रुपीज़, लॉस हुआ है 180 रुपीज़, हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस लॉस कितना है 180 रुपीज़ प्लस सेलिंग प्राइस है 690 रुपीज़ इक्वल टू जीरो में जीरो को ऐड करेंगे तो जीरो, एट में नाइन को ऐड करेंगे तो 17, 17 का 7 कैरी 1, 1 कैरी 1 2 प्लस 6 8, टोटल कितना है 870 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 870 रुपीज़। अब है क्वेश्चन नंबर 4। मोना बॉथ ए क्लॉक फॉर 435 रुपीज़ एंड ही वांट सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 55 रुपीज़, सो व्हाट वुड इट्स सेलिंग प्राइस बी। मोना ने एक घड़ी को 435 रुपीज़ में खरीदी, यदि वह 55 रुपीज़ लाभ यानी कि प्रॉफिट लेना चाहती है तो वो घड़ी को यानी कि वॉच को कितने रुपए में बेचेगी यानी कि सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, फोर सेलिंग प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 435 रुपीज़। प्रॉफिट कितनी है, प्रॉफिट ₹55। तो हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में सेल प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ये आप लोग को आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 है, सुनील सोल्ड 5 चेयर्स फॉर 850 रुपीज़, ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़, सो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर्स। सुनील ने 5 चेयर्स 850 रुपीज़ में बेचा, उसे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। यहाँ पे हम 5th का सॉल्व करते हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 850
रुपीस, और प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू 100 रुपीस। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये आगे का सॉल्व आप लोग को करना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। भारती बॉट ए काउ फॉर 3750 रुपीस एंड सोल्ड इट आफ्टर ए फ्यू डेज एट ए प्रॉफिट ऑफ 180 रुपीस। सो व्हाट वाज इट्स सेलिंग प्राइस। भारती ने एक गाय को 3750 रुपीस में खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 3750 रुपीस। फ्यू डेज यानी कि कुछ दिन बाद 150 रुपीस प्रॉफिट यानी कि लाभ लेकर बेच दी, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो कॉ यानी कि गाय का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 3750 रुपीस और प्रॉफिट है 150 रुपीस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस 3750 रुपीस, प्रॉफिट 150 रुपीस। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालनी है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है 3750 रुपीस, प्रॉफिट है 150 रुपीस, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आगे का सॉल्व आप लोगों को करना है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करना है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 7। सुरेश सोल्ड ए फैन फॉर 895 रुपीस एट ए लॉस ऑफ 52 रुपीस। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। सुरेश ने 895 रुपीस में एक फैन को बेचा जिसे उसको लॉस हुआ है 52 रुपीस का। तो सुरेश ने उस फैन को कितने में खरीदा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में हम लॉस को, सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। फॉलो करते हैं 7। यहाँ पे 7 में क्या क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। यानी कि कितना में बेचा है वो दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 895 रुपीस। लॉस कितना हुआ है, लॉस है 952 रुपीस। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस है 895 रुपीस, लॉस है 52 रुपीस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। आगे का आप लोग को सॉल्व करना है।